सोनी टीवी पर आने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति का 11वां सीजन अब खत्म होने वाला है। इस शो को अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। शो में हमेशा नए पर्सनैलिटी की कहानी जानने को मिलती है। बता दें केबीसी के करमवीर शो में आई इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति ने भी अपने जीवन के कुछ रोचक किस्से सुनाए हैं। शो के अब कुछ ही एपिसोड बाकी रह गए हैं। शो के आखिरी स्पेशल करमवीर एपिसोड में सुधा मूर्ति हिस्सा लेंगी। इस दौरान उन्होंने अपनी शिक्षा से जुड़े किस्से शेयर किए हैं जो हर किसी के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। वैसे तो ये एपिसोड शुक्रवार को प्रसारित होगा, लेकिन इसका टीजर सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो रहा है। इसका एक वीडियो सोनी टीवी के इंस्टाग्राम पेज पर भी देखा गया है। इस छोटी सी क्लिप में सुधा मूर्ति ने अपनी कहानी शेयर की है। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में भी बात की है। शो में मूर्ति बताती है कि वे 599 लड़कों की क्लास में अकेली लड़की थी। इंजीनियरिंग में दाखिला लेना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। प्रिंसिपल ने कहा कि नंबर अच्छे हैं, इसलिए दाखिला तो देना है, लेकिन तीन शर्त है। सुधा मूर्ति ने उन शर्तों के बारे में बताते हुए कहा, पहली शर्त है साड़ी पहनना, दूसरा कॉलेज कैंटीन में न जाना और तीसरा लड़कों से बात नहीं करना। उन्होंने आगे कहा कि सबसे मुश्किल था कि कॉलेज में टॉयलेट नहीं था। मुझे 4 साल में टॉयलेट की इम्पोर्टेंस पता चली, इसलिए हमने इंफोसिस चेयरमैन रहते हुए 16,000 टॉयलेट बनवाए। बता दे इस एपिसोड में सुधा मूर्ति ने देवदासी महिलाओं के जरिए बुनी हुई चादर भी अमिताभ बच्चन को गिफ्ट की।